नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों आज का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड क्या है, या आपको कैसे मिल सकता है, इसके लिए क्या अर्हताएं हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, और कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा, इस पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से प्लास्टिक मनी होती है। भारत में कई तरह के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हैं, वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपका पर्पज क्या है क्रेडिट कार्ड लेने का, उस हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड का चुनाव करें। दोस्तों नॉर्मली क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका टर्नओवर देखा जाता है, बैंक आपका चेक करता है आपकी सैलरी क्या है, आप कितना लेन देन करते हैं महीने में, उस एवरेज से बैंक आपको, अगर जब बैंक से आप अनुरोध करते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है, तब बैंक आपको एक लिमिट बनाकर 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, इस तरह की लिमिट बनाकर आपको एक बैंक क्रेडिट कार्ड दे। मित्रों क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए आपकी जो लोन हिस्ट्री है या क्रेडिट हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड देने से पहले बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करता है। आपका सिविल स्कोर अगर बेस्ट होगा तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। दूसरा तरीका है क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने का, कुछ बैंक FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आपका पैसा किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा है, ज़्यादातर बैंक उसमें आपको 85% की लिमिट जारी करके आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपये बैंक में फिक्स है, तो आपको 85,000 रुपये की लिमिट देकर आपको क्रेडिट कार्ड वो बैंक दे देंगे। अगर आप पैसा वापस नहीं कर पाते हैं तो आपकी FD को तोड़ करके उस क्रेडिट कार्ड को जमा कर देंगे। बात कर लेते हैं चार्जेस की, इसके चार्जेस क्या हैं। तो दोस्तों एनुअली चार्जेस सभी बैंकों के सभी क्रेडिट कार्ड पर अलग अलग होते हैं, कोई 500 एनुअल चार्ज करता है, कोई 1,000, कोई 2,000, ये 5,000 तक भी होते हैं। वो अलग अलग क्रेडिट कार्ड पर अलग अलग बैंकों के अलग अलग चार्जेस होते हैं। अब बात आती है पैसा यूज करने में आपको क्या चार्जेस पड़ेंगे। तो मित्रों जिस बैंक ने आपको 30 दिन की लिमिट दे रखी है, उसका पैसा अगर आप 30 दिन में वापस कर देते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना, निःशुल्क होता है। वही जिस बैंक ने आपको 50 दिन की लिमिट दे रखा है, आप 50 दिन पैसा यूज करिए, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। 70 दिन जिसने आपको लिमिट दे रखी है, आप उस बैंक का 70 दिन पैसा यूज करिए, आपको कोई चार्ज नहीं पड़ना है। तो ये हो गई मित्रों चार्जेस की बात, आप निःशुल्क यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो टाइम लिमिट बैंक ने दे रखी है उस लिमिट को आप क्रॉस करते हैं तो फिर चार्जेस बहुत हाई होते हैं। तो आप लोग हमेशा जो आपका टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंदर ही आपको पैसा बैंक को वापस कर देना है। कार्ड कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी ज़रूरतों पर डिपेंड करता है, आप कहाँ पे ज़्यादा खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड कुछ लोग फ्यूलिंग के लिए लेते हैं, जैसे कि उन्हें फ्यूल डलवाना होता है तो वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ्यूल का पेमेंट करते हैं। उसमें ये फ़ायदा होता है कि कुछ क्रेडिट कार्ड का कुछ पेट्रोलियम कंपनियों के साथ टाई अप यानी साझेदारी होती है, तो उन चुनिंदा अगर आप पेट्रोल कंपनीज के पास पेट्रोल डलवाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा कैशबैक या रिवार्ड मिलते हैं वहाँ पर, और सर चार्जेस वगैरह नहीं पड़ते आपको। दूसरा होता है आपका ग्रॉसरी के लिए क्रेडिट कार्ड होता है, अगर आप ग्रॉसरी का सामान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करते हैं और ख़रीदते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होता है ग्रॉसरी क्रेडिट। इस तरह के क्रेडिट कार्ड में ये कुछ चुनिंदा जैसे मॉल्स होते हैं बड़े बड़े या बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, उनका उनके साथ टाई अप होता है, साझेदारी होती है, तो अगर वहाँ से आप ख़रीदारी करते हैं उन्हीं चुनिंदा स्टोर से मॉल से, तब आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड कैशबैक ये मिलता है आपको। कुछ लोग लेते हैं शॉपिंग के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी तरीके से, लेकिन अगर आप शॉपिंग से कार्ड के माध्यम से करते हैं तो वो क्रेडिट कार्ड शॉपिंग क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट होता है। आप उसे पेमेंट जब करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कैशबैक रिवार्ड ये आपको मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ट्रैवलिंग क्रेडिट कार्ड होते हैं, जिन लोगों को ज़्यादा ट्रैवल करना होता है तो उन लोगों को रेलवे टिकट, बस टिकट, एयर टिकट, इन टिकट में भी उन्हें कैशबैक या रिवार्ड मिलते हैं इस तरह के क्रेडिट कार्ड में। प्लस आपको एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होता है,
कई तरह के कार्ड हैं, कई सारे ऑफ़र देते हैं वो आपको। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। आपका पर्पज़ जो भी हो, उस तरह का क्रेडिट कार्ड का आप चुनाव करें तो वो आपके लिए बेस्ट हो। अब बात आती है क्रेडिट कार्ड से, क्या आप पैसा निकाल सकते हैं? जी हाँ, पैसा आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस बहुत अधिक होते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप क्रेडिट कार्ड से कैश ना निकालें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।